अब बेटा इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताऊं मैं, क्लास में मैंने बोला था इसी पे क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हमारे पास रेडियो एक्टिव लॉज ऑफ ट्रांसमिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उन पे सवाल आता है बेटे। और सीधे सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसमें कौन कौन सा एमिशन हुआ है? अल्फा एमिशन हुआ है, फिर बीटा नेगेटिव एमिशन। बीटा नेगेटिव एमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन लिमिट आउट होता है न्यूक्लियस से। फिर उसके बाद गामा एमिशन, उसके बाद बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव इज एंटी पार्टिकल ऑफ बीटा नेगेटिव, इट मीन्स पॉजिट्रॉन लिमिट हुआ है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल, उसके बाद गामा। हमको पूछा है जो ये डॉटर न्यूक्लियस वहां से निकला है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है। ये सेंटर क्वेश्चन। आपको पता है अल्फा डिके में, अल्फा इमिशन में मेरा बच्चा एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स। उसके बाद बीटा नेगेटिव इमिशन में मेरा बच्चा क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट और मास नंबर रिमेन सेम सर। अगर बीटा पॉजिटिव इमिशन होगा उसमें प्यारा बेटा एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट और मास नंबर जो है वो सेम रहेगा। अब तो मुझे बोलना नहीं है कुछ, सीधे देखो अगर मेरे पास ए न्यूक्लियस है 84 एटॉमिक नंबर 120 मास नंबर, अल्फा इमिशन जब हो जाएगा तो कितने यूनिट मेरा बेटा मास नंबर रिड्यूस हो जाएगा, 4 हो गया 116, एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो जाएगा बाय 2 यूनिट्स हो गया 82। उसके बाद बीटा नेगेटिव इंफॉर्मेशन यूज करो, बीटा नेगेटिव में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट बनेगा 83, मास नंबर विल रिमेन सेम। गामा जो इमिशन होता है ना ये बेटे सेकेंडरी इमिशन है, इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें खाली एनर्जी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर कभी अल्फा डिके हुआ न्यूक्लियस का, बीटा डिके हुआ, ठीक है, गामा डिके तब होता है जब इवन आफ्टर बोथ डिकेज उस न्यूक्लियस की एनर्जी अभी भी हाई होगी, तो गामा डिके में कोई भी मेरे बेटे चेंज नहीं आएगा, तो अगेन एटॉमिक नंबर विल बी 83 एंड मास नंबर 116। उसके बाद पॉजिट्रॉन हुआ है, एटॉमिक नंबर नाउ विल रिड्यूस बाय 1 यूनिट, इट विल बी बैक टू 82, मास नंबर 116 सेम। फिर अगेन अल्फा डिके हुआ है, बताओ मेरा बच्चा अल्फा डिके जब हो जाएगा अगेन एटॉमिक नंबर विल रिड्यूस बाय 2 यूनिट्स, मास नंबर विल रिड्यूस बाय 4 यूनिट्स, 116 में से 4 का था कितना 112। उसके बाद अगेन गामा इमिशन हुआ है, अगेन मेरे बेटे एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर भी सेम रहेगा क्योंकि गामा इमिशन सेकेंडरी इमिशन है। सो माई आंसर विल बी B is equal to 80 and A is equal to 112. Simple.